हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियम फ्रॉम टीम मिस मालिनी और रोसेस सारा भाई के घर पे हूँ मैं। ये हाय वुपी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम एक्साइटेड दैट आई एम इन योर हाउस एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट आप आए मेरे घर पे बाहर आई। आप आए मेरे घर पे बाहर आई। आप जब भी आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर गई बाहर गई बाहर गई। झूठ बोल रही है, ये बहुत खुश है कि मैं खा चुकी हूं। दैट्स रोसेश, दैट्स रोसेश। बट राजेश, यस, कैन वी हियर योर वॉइस आल्सो? हेलो, आवाज की दुनिया के दोस्त, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस शो में, इस कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉकिंग विद प्रियम। ये आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। बट व्हाट इज दिस, आपका आवाज इज बिकम अ लैंडमार्क एंड योर न्यू वॉइस इज नॉट? नो नो नो, दिस इज माय ओरिजिनल वॉइस। द न्यू वॉइस, आई रिमेंबर इंसिडेंट्स कि मैं शॉपिंग कर रहा था एक बार इन ऑर्बिट मॉल में और किसी ने मुझे देखा बात करते हुए। So after 5-10 minutes, my producer writer Atish bhai, he calls me up and says ki tum wahan in orbit mein ho? Maine kaha haan, acha acha acha. Maine kaha nahi, kisi ka phone aaya mere jaan pehchan mein, where he was saying ki wo Rosesh dikha, wo awaaz badal ke baat karne ki koshish kar raha, usko bolo original hi rahega. So they thought that Rosesh वॉइस जो है वो ओरिजिनल है और ये जो है ये बनावटी है। शो ऑफ कर रहे हो वैसे रियल लाइफ में। हाँ, कि मतलब अच्छा वो बेस है। बट आई रिमेम्बर इवन ऑन द शो देयर वाज अ टाइम आई थिंक कि तुम ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी आवाज थोड़ी नेचुरल हो पाए। यू रिमेम्बर दैट एपिसोड जहाँ पे वो मैं ये बना हुआ था, कुछ डॉन का ऑडिशन चल रहा था। उसका उसकी लाइन थी, हाँ, मुंबई का किंग कहलाएगा कौन, पक्या मात्रे या नया डॉन? सो द डायरेक्टर ऑफ वॉट एवर सीन के बीच में जो डायरेक्टर थे वो अचानक बीच से कहते हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहा है रोसेश, ओरिजिनल आवाज़ में बोलो। ये ओरिजिनल ही है सर। सो तो अब वो ओरिजिनल हो गई थी। वो 10 दिनों के लिए जो हम शूटिंग करते थे हर महीने, वो रोसेश की आवाज़ ही मेरी आवाज़ थी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गरे याद रहे। तो व्हेन, जब ये आवाज़ का मतलब, ये किसका आइडिया था टू हैव अ स्ट्रेंज वॉइस? एंड आई मेट सुमित अभी दिस वीक एंड देन ही सेड कि रोसेश का आवाज़ का वो सच एन इंटरेस्टिंग एड ऑन, बिकॉज वो वाली आवाज़ ढूंढना कि लाफा मारने का मन करे सुनते ही। Only Rajesh could have pulled it off. No, that was definitely Atish's brain and Atish's baby. Because when the first time he narrated me the whole thing, he called me on Khichdi ka set and he enacted the whole scene. He enacted ki this guy is like this and he's not a gay. He's just a mama's boy. It's a very thin line. The moment you go onto some kind of body language, this guy will turn gay. But you have to maintain it, and his voice is like that. I mean, he speaks like that. So how much time will you take for the audition? I said, 18 days. Oh. He said, why? I said, I need to discover. What is 18 days? 18 days, 17 days, something like that. Ki mujhe 15-20 din to lagenge before I am ready for audition of this. So I asked, ki aur kiska audition lene wale hain aap? So he said, there is a guy called Rajesh Kumar. And there is the only guy called Rajesh Kumar. Oh. So, ye aap hi ke liye. To, 15-20 दिन लग गए। आई यूज़ टू गो टू साउथ मुंबई, काफ़ी जाना शुरू किया मैंने। इनफैक्ट वेंट टू लॉट ऑफ डिस्क्स एंड पब्स एंड यू नो, आई वॉज इन सर्च ऑफ रोसेश, बिकॉज फ्रॉम हिम इट, आई मीन द वे इट केम आउट, आई थॉट कि अच्छा थोड़ा एग्जैजरेशन होगा शायद, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक्चुअली यही आवाज़ ही वॉन्टेड मी टू प्ले। सो इट टुक मी 15 days of whatever rigorous experiment and किया मैंने कि कुछ पता चले इसके बारे में, रोसेश के बारे में। कुछ मिला, कुछ चीज़ें मिली। देन ऑडिशन, आई रिमेंबर कि ऐसे ही एक कैमरा लगा था और दोपहर के 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सिर्फ एक डायरेक्टर और एक मैं एक कमरे में रोसेश का ऑडिशन हो रहा था। तो क्या करा ऑडिशन में ऐसा इतना रिगरस? यही था कि उसमें बॉडी लैंग्वेज आ रही है तो आवाज़ जा रही है, आवाज़ मिल रही है तो बॉडी जा रहा है। मतलब देर वॉज समथिंग, बिकॉज हाँ, मतलब अलाइनमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मिमिक्री। तो आज ईजी हो जाती है ना चीज़ें, लेकिन उस समय वेन यू आर मेकिंग इट लाइव प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कि आप एक आत्मा डाल रहे हो एक शरीर में, इट्स समथिंग लाइक दैट। सो इट हैज़ टू फिट द होल थिंग। मतलब किडनी भी एक ग्रुप के हिसाब से मिलता है, कि किडनी भी एक ग्रुप के हिसाब से मिलता है, कि आपको लगता है कि अच्छा
मतलब ये मैचिंग होगा कि नहीं. तो काफ़ी वो जद्दोजहद बहुत वो चलता रहा. एकाध टेक ऐसा था उन 8 घंटों में जो ऐसा लगा कि यू नो वी आर देयर बट स्टिल इट्स नॉट देयर. बट थैंकफुली दे हैड सेड यस, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था. आवाज़ बहुत फ़नी जगह पे मिली मुझे. अच्छा. आई यूज टू स्टे, शादी ही हुई थी एंड वी हैड शिफ्टेड इन टू लिटिल बिगर अपार्टमेंट एंड बट उसका बाथरूम छोटा था. सो कमोड के ठीक सामने उसका वॉल था विच वॉज यू नो दिस दिस डिस्टेंस. तो क्या होता था कि आप कुछ भी बोले ना तो वो बाउंस बैक करता है बिकॉज एको. हाँ तो मतलब और हम लोग फिल्मी लोगों का क्या होता है कि बाथरूम में भी बात कर लेते हैं. तो अकेले भी बैठे हैं तो क्या यू लव हियरिंग वॉइस समटाइम्स. सो सेम थिंग हैपेंड. तो उसमें मैं रोसेश की आवाज़ को ऐसे ढूंढ रहा था कि हेलो 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 एंड सडनली इट वेंट इनटू हेलो 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 हाय 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 दिस इज रोसेश हाय 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 यू नो समथिंग लाइक दैट. एंड इट केप्ट ऑन. आई मीन आई वॉज देयर इन साइड सिटिंग ऑन द कमोड फॉर हाफ एन आवर एंड आई वॉज इन सर्च ऑफ रोसेश. And when I finally got it, I was so thrilled. I immediately called up Atish Bhai and I said, this is the voice you are looking out for. Na ye mil gaya, whoopee. He said, yeah, we got this. And then I spoke to my wife, my maids, were every one full day, there was, I didn't speak in my voice. I was just speaking to watchmen also. Main gaadi kidhar lagaun, kidhar bolta hai, yahan ye karun kya? Usko bola, aunty, idhar khana, idhar jhadu lagao, idhar. I went on and on and on till the irritating moment. But it was a eureka moment for me. So definitely, whenever you sit on commode, something good will happen to you. This is life lesson. Okay, so it was 10 years ago that the last episode aired. I was in the 9th standard us time. Ki bahut purani baat hai. So when I was in uniform, you were in no form. Yeah, perhaps. So when you're making a show like this, jo aaj tak itna popular hai, itna relevant hai. Yeah. Did you realize what you guys were doing at the time? No. But one thing, I don't know, I had this intuition about this whole character because I remember jis din main wo 2 se 10 karke aaya tha ghar pe aur main aise hi niche baith gaya and I was exhausted because full day aap ek hi usme the. Main niche baith gaya and I told my wife at that time ki you know somehow I feel that if I you know get this character, this role to do, something great will happen to me or time will change for me as an actor. Yeah. You know, because I've been struggling and by then I was tagged as elder brother of all the heroines. Heroine ka bhai. Matlab main 2-3 baar America bhi isi baat pe ghoom ke aaya ki Kusum ka bhai hai. Rabdi Devi, you won't believe it. I met her Subroto Roy's son wedding and Rabdi Devi was standing and I was looking at because you know Bihar se hain, main bhi Bihar se hoon to acha ye hain Rabdi Devi, ye hain Lalu Prasad. So Rabdi Devi, you know, just goes and calls me, idhar aao, namaste. Tum Kusum serial mein Kusum ka bhai banta hai na ji, Sasank hai na tum. Ab bole ha 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 ha. हाँ तब कहाँ के हो तुम? जी पटना का ही. अरे तो आया करो बिहार, वहाँ आते हो तुम लोग, मिलते नहीं हो जी. मैंने कहा नहीं नहीं होगा, अगली अगली बार आऊँगा. तो तब तक मेरा ना वो छाप बन गया था कि चाचा बड़ा भाई कि इस वाले ब्रैकेट में. हाँ सो आई वॉज थिंकिंग कि मोर लाइक मोनिश बेल, यू नो. सो आई थॉट कि तो आई सेड कि माय स्ट्रगल इज ओवर नाउ इन दिस इंडस्ट्री. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ्तिकार जी एक एक्टर थे, सो ही प्लेड फ्रॉम डॉन से लेकर के जितनी फिल्मों में वो कमिश्नर ही बने. सो ही नेवर हैड यू नो द कॉस्ट्यूम गाइज ऑल्सो नेवर यूज टू मेक हिज कॉस्ट्यूम. वो अपना ही इंस्पेक्टर का ड्रेस कैरी करते थे. हाँ तो मुझे लगा कि वैसा ही एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा वाला भाई बन के रिटायर हो जाऊँगा. सो दिस थिंग हैपेंड एंड आई हैड दिस थिंग इन मी कि ये कुछ होगा इसमें. एंड आई रिमेंबर आतिश जी, आतिश भाई कॉलिंग मी वंस, आई वॉज शूटिंग समवेयर एंड ही सेड कि देख इसमें ना रत्ना जी भी हैं, सतीश जी भी हैं, रूपाली है, सुमित है, सब लोग हैं, बट 200% इट इज़ यू. एंड इफ यू गिव योर 200%, दिस रोल विल गिव यू बैक 300%. इट्स समथिंग लाइक दैट विच वॉज यू नो सो मच फिक्स्ड इन हिम. एंड आई सेड ओके सर, आई विल डेफिनेटली. एंड इट ऑब्वियसली इट पेड ऑफ. बट उस समय मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि क्योंकि फर्स्ट एपिसोड आई रिमेंबर वॉज ओनली वन पोएम, द फर्स्ट पोएम, ओ मामा तुमने मुझे जन्म दिया, ओ मामा सबसे अच्छा कर्म किया. हाउ वाज इट?
second episode I was not there. Okay. I have got money for that though. I still have to pay them back. Third episode, one scene. Fourth episode, two scene. And fifth episode was episode. Achha. By then, Rosesh was right. And but ये भी था कि isolation में Rosesh perform नहीं हो सकता था. You have to have Ratna ji, you have to have Satish ji, you have to have Rupali and Sumit. Need to be reactionary. Absolutely. Yeah. It came out because of them. It came out because Satish ji reacted in such chambo idara. Matlab, he used to change his voice for me. So that got highlighted. Then their reaction, ki, arre, baap re, abhi ye shuru kiya. You remember that scene, Popat Kaka wale episode ka? Popat Kaka is my favorite episode of all times. So, there was this मैंने एक ऑबिचरी लिखी है सुनाओ श्रद्धांजलि लिखी है मैंने सुनाओ पोपट काका की आत्मा का पोपट उड़ गया उड़ गया उड़ गया रे सृष्टि के सर्जनहार से पोपट जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया रे एंड देयर गोज द म्यूजिक रोसेश लोगों को समझ में आएगा कि पोपट काका का देहांत हुआ है पोपट की आत्मा उड़ने का मतलब व्हाट इट मींस व्हाट इट इज द सेम थिंग पोपट की आत्मा उड़ गई हो गया बैक इन द डे देयर वाज नो इंटरनेट सोशल मीडिया का इतने से बट आज तक 2016 इफ यू जस्ट गूगल यू स्टार्ट गूगलिंग आर ओ एस इट स्टार्ट्स शोइंग यू रोसेश साराभाई पोएम्स रोसेश साराभाई पोएम्स यू वांट टू टैटू ऑल ओवर योरसेल्फ रोसेश साराभाई इंसल्ट्स बाय इंद्रवदन लाइक इट्स सच अ पॉप कल्चर रेफरेंस और कभी भी इंडिया के हिस्ट्री में एटलीस्ट इट्स नेवर बीन दिस मच फॉर सो लॉन्ग स्पेशली व्हेन द शो इज नॉट ऑन एयर इट वाज शॉकिंग फॉर अस व्हेन वी मेट ऑन द 10th anniversary kinds of at Sumit's place and it was just clicked for ourselves you know we never thought that ki to Facebook pe Rupali ne dala fir humne dal diya and then suddenly it just went viral and uska zyada wo hua jab Satish ji ke birthday pe hum log mile the in fact kuch exclusive hai missmalini.com ke liye nahi exclusive mat bheja hai maine acha wo exclusive stay tuned main putting it out in the universe soon so we never thought and then suddenly it just to phir that led you know that feeling in us that I think we should give it a shot so before that you're telling me no one has had the brilliant idea that this needs to come back 10 saal se fans ro rahe hai kapde maar rahe hai ki please guys everyone had idea yeah. I think channel has some reservation because that's the only platform plus the rights are with Star Plus so nothing can be done by the producers so I think it's about the channel they should feel that it will work you know jahan pe mujhe lagta hai ki now they are toying with this idea of you know ki shayad you know let's give it a shot so another month and a half before we are ready with the script and everything and hopefully let's see I mean it's going to happen but abhi the naya round of reports are ki ye shayad web series hoga ki web series because it is with Star Plus so if they have slot and if they think that it you know it is worth putting it on air on television they will do it otherwise web series wala idea matlab on hi hai because it's Hotstar yeah. so it, again it's Star Plus ka hi so I think they are in talks I mean our producer is in talk with the channel and the web guys whomsoever thinks it is worth will fingers put it crossed, on air fingers crossed so I had to this is a grievance to jab Sara bhai ka season khatam hua tha mujhe yaad hai last wo crystal ball episode is promise ke sath hai ki wapas aa rahe hain theek hai and they had sort of seen into the future ki acha ab ye hone wala hai what went wrong because believe me for 1.5 years the set was intact still there no shooting was happening on it but it was just waiting for Sara bhai to come back as were all of us and shooting wise we all had all the actors we had blocked 21st to 30th of every month so whatever work we were doing in those 1.5 years 21st to 30th we used to sit at home and wait ki ab kab phone aa jayega you know it was more like ki aapko achanak border pe bhej diya jayega ladne ke liye to aap taiyar rahe ki ye aur aaj wapas wahi halat hai hum sab ki ki aap ha to bolo हम तैयार हैं तो अभी जब ऐसे जब
आएगा सारा भाई पार्ट टू सीक्वल व्हाट एवर द वर्जन में भी. तो डू यू थिंक यू गाइस आर गोना बी द सेम एज और क्या वैसे? नो नो एज वाइज इनफैक्ट मैं 10 साल और छोटा ही हो जाऊंगा, डोंट वरी. नहीं नहीं अभी शुरुआत हो चुकी है इसकी, एक महीना रुक जाइए आप अचानक. ओह बिफोर आफ्टर का इंटरव्यू करेंगे हम. But no, no, we all are looking, and thankfully no one has aged. You know, everyone is looking the same except me, because I had bloated, so I enjoy with myself. It's like Sensex, you know. goes up and down. So, everyone is looking the same. Ratna ji is there with white hair. Yeah. Which I don't think he usko kala karna padega. Same goes with Satish ji. But apart from that, because the chemistry has not changed, biology won't affect too much. You know, ki aap physically kya hai. Because mentality to wahi hai. Rosesh ki abhi bhi shaadi nahi hui hai. You know? Yes. So, yes. So agar is tarah ki cheezein hongi, to definitely it will work in certain way. Ki ab ye hai ki nahi hai. ये पता नहीं है कि शादी हुई नहीं है, बिकॉज ट्विस्ट कुछ भी हो सकता है. सो इट्स ऑल इन आतिश'स हैंड एंड ही विल डिसाइड व्हाट टू डू. बट आई विश उसकी शादी ना हो, बिकॉज़ आई फील दैट्स वेयर द यू नो द चार्म लाइज, दैट वो हां वो माया के साथ ही है फॉरएवर. दैट्स व्हाट आई थिंक द प्लेस वी विल वेयर वी लेफ्ट वेयर वी पिक इट अप फ्रॉम देयर ओनली. ओके सो आई एक्चुअली रेड दिस रियली कूल, लाइक इट वाज दिस फिल्म स्टूडेंट हैड रिटन दिस. ओके वो लाइक एनालिसिस ऑफ साराभाई. या आई विल सेंड यू अ लिंक. सो इट वाज बेसिकली साराभाई, ऑब्वियसली वी लव द फैमिली एंड इट्स क्रेजी एंड वी हैव लव्ड देम फॉर सो मेनी इयर्स, बट एक्चुअली इट्स सो डिसफंक्शनल कि बाप को पसंद नहीं आई बेटा, कॉन्स्टेंटली उसको वो कर रहा है. माया डजंट लाइक मोनिशा, साहिल कॉन्स्टेंटली पावर प्ले के बीच में फंसा हुआ है, इंद्रवदन इन द मिडल ऑल्सो देयर वाज दिस होल थिंग अबाउट व्हाई ही माइट बी चीटिंग ऑन माया ऑल दैट. सो हाउ इज इट दैट वी स्टिल लव देम सो मच? हाउ इज इट? बिकॉज फ्रॉम अ रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कौन क्या कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स were you know shaped up in such a way that इनके साथ ना एक तो वो लवेबल बने, कोई इरिटेटिंग नहीं बना. इरिटेटिंग बने भी तो हाँ, इरिटेटिंग बने भी तो एक दूसरे के लिए बने, नॉट फॉर द ऑडियंस. सो बिकॉज वेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज आर फैमिली एंड वी गिव अ शिट फॉर एनीवन टू यू नो हु इज वॉचिंग अस और लिसनिंग आर कन्वर्सेशन. एक होता ना कि अच्छा मैं और तुम यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ करके कहीं पे बफुंडी करें, बात करें. अच्छा मेरा और तुम्हारा अपना एक करेक्ट है, ठीक है, हमने कोई गलत हम बात ही नहीं कर रहे. देखने वाले को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हैं, बट आप तो डूबे हुए हो कन्वर्सेशन में. सो आई थिंक कि कैरेक्टर इतने परफेक्टली ऐसे थे और विथ रिएक्शंस एंड विथ परफॉर्मेंसेस एंड ए आई मीन द स्क्रिप्ट वाज सो फ्लॉलेस कि आप स्मार्ट राइटिंग. या मतलब यू वोंट बिलीव इट कि वो अकेली स्क्रिप्ट है. आज तक मैंने जितने भी स्क्रिप्ट्स की हैं वो साराभाई की अकेली स्क्रिप्ट है, जहां एक वर्ड भी अगर आपने चेंज किया ना, वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट क अक्षर भी आपने चेंज किया ना, पूरा रिदम बिगड़ जाएगा. इट वॉज मोर लाइक पोएम कि आप एक 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 काफिया है, यहाँ पे इसका एक फिनिश है. जबकि आपको ये भी हैरानी होगी जान के कि आतिश व्हेन ही यूज्ड टू कम एंड राइट ऑन आवर सेट, सीन चल रहा होता था उस बीच में ही यूज्ड टू राइट सेकंड सीन. अच्छा कुछ सीन्स ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो नरेट करते थे फ़ोन पे कि ऐसा ऐसा है. आई ऑल्सो रिमेंबर वन ऑफ द ग्रेट इंसिडेंट्स अबाउट साराभाई, यू नो कभी अगर किताब लिखनी हो तो बिकॉज विच आतिश हैड ओनली नरेटेड इट, ही सेड दैट कि जब चैनल जाते थे तो चैनल में फ्राइडे इवनिंग को इनको बुलाया जाता था नरेशन के लिए, सो दैट हंसते 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 लोगों का ना सैटरडे शुरू हो जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड ही वॉज नरेटिंग दी और फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. सो द चैनल गाइस सेड कि अच्छा आप एक बार वो जो लिखा है आपने वो दे दीजिए, हमें कम से कम हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं वर्ड. ही सेड कि नहीं कुछ भी नहीं लिखा है. सो ही नरेटेड 4 एपिसोड्स एंड ही हैड नॉट रिटन एनीथिंग एंड ही वाज जस्ट फ्लिपिंग द पेज बिकॉज दे दीज गाइज वॉज यू नो दे यूज टू कि आप क्या लिख के लाए हैं, आपके पास क्या है उससे मतलब नहीं, आप क्या लिख के लाए हैं. तो लिख के लाए तो ही वो केप्ट इट एनी जस्ट कि हाँ उसके बाद ये सीन होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, एंड देन सडनली शोज इट्स इट वॉज ऑल ब्लैंक. So it is so much in us. I mean, there is some kind of divine intervention, I would say. Yeah, there is something. Because, yaar, 12 saal ke baad mujhe batao na ki aaj itne lakhon serial aa chuke hain, hazaron serial aa chuke hain.
कौन से सीरियल की फैमिली इसी तरीके से है जो हमारी फैमिली है, व्हिच आई वाज जस्ट गेटिंग टू, कि ये इट्स अनरियलिस्टिक, इट्स अनरियलिस्टिक, बट आल्सो टू शो ऑफ और टू पुल ऑफ दिस बॉन्ड, दिस क्रेजी केमिस्ट्री, बिकॉज आप सब एक, मतलब रत्ना जी एंड सतीश जी ऑब्वियसली दे हैव वर्क टुगेदर बिफोर, बट ऑल ऑफ यू हैड कम ऑन बोर्ड एक साथ, यू नो यू वर नॉट फ्रेंड्स पहले, सो हाउ इज दैट, how did you manage to do I it? Think because we never went on that set, you know, and the credit goes to Satish ji and Ratna ji, because they never came across as ki I am Satish Shah, I am Ratna Pathak, kabhi wo feel hi nahi karwane diya inhone, to first day se hi unke liye main rosesh ban gaya tha, फर्स्ट डे से ही सुमित सुमित था, समझदार बेटा, आज तक वही होता है, आई से समथिंग, एक सेकंड चुप रहे, सुमित बोल, यू नो मैं गाना गाऊं क्या, सो व्हेन वी इंटरैक्ट इन यू नो, एंड रूपाली इज ट्रीटेड द वे मोनिशा इज, या हाँ, मतलब जैसे शी इज मोनिशा इन आर ग्रुप, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन फेसबुक, मतलब आप बस खाली ये डिग्निफाइड थोड़े से रह जाते हैं जब आप पब्लिकली वैसे आते हैं, अदरवाइज आप अकेले में पूछो ना, मतलब लिटरली हम लोगों को जूते पड़ते हैं, एंड इफ यू रीड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑफ रत्ना जी, इट इज सो सोफिस्टिकेटेड, एंड यू नो द पनाश इन इट, एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, पंक्चुएटेड, उसमें काका का आया है क्या लिखती है, अब वो सडनली ही बिकम्स इंद्रवदन, यू नो सतीश जी, सो तो वो एक, और वी वर रियल, वी नेवर पोर्ट्रेड दैट यू नो आई एम हू, वी वर रियल, वी वर इन रियल जोन, एंड दिस इज वर्क, बट वो बॉन्डिंग इसलिए भी हुई बिकॉज वी ग्रू टुगेदर, वी स्टार्टेड ईटिंग टुगेदर, वी स्टार्ट यू नो गोइंग टू ईच अदर्स हाउस, एंड मोर इंटरेक्शन, आई कैन इमेजिन लाइक ईटिंग अ मील विद यू गाइस, माय गॉड, दैट इज वन थिंग यू हैव टू बिलीव मी, मतलब आधे घंटे का वो ब्रेक 1:30 बजे होता था, 1:30 से 2 तो सिर्फ उन खानों के बारे में बात होती थी जो लेके आता था, जिसमें रत्ना जी वॉज फेमस फॉर गेटिंग स्मॉल डब्बा, क्वांटिटी वाला डब्बा, और सतीश जी का रिएक्शन ये होता था कि ये अकेली है जो सब्जी का भी अचार लेके आती है, love and all that. Okay, so I asked other people from the cast, yeah, if they couldn't play their characters, who would they play? And I'm telling you, unanimously, everyone has told me Rosey Sarabhai. Ki Rosey Sarabhai was ki agar baki sabko hata bhi de, he can single-handedly pull off the entire show. No, I've many people tried that with me in terms of ki kahin kahin kisi kisi serial ke episode mein bolte the ki yaar, you know, thoda sa Rosesh de. I said ki these guys are not Ratna ji and Satish ji that they will be able to react on my AI. Then I am not Virat Kohli, I will be batting alone, you know, you need to have crew. Yeah, absolutely, aap kitne bhi bada bade se bada show dekh lo, aap aaj ki date mein Kapil ka hi show dekh lo for that matter, it is a team work, yeah, you know, isolation mein Sunil never worked on Star Plus guys, yeah. Yeah. Because it doesn't say that he's bad or writing is bad or he's good or writing. It is because of the space. Yeah. You know, आपको मुझे कोई 2.5 feet के जगह में बोले कि सो जाओ, मैं नहीं सो पाऊंगा. It is very simple. I need my own space. Yeah. So same character का अपना एक area होता है जहाँ पे वो function करता है, वहाँ पे बहुत fully blossom होता है, work करता है. Exactly. So वो एक चीज़ अपने साथ बहुत ज़रूरी था क्योंकि सब लोग, हाँ हालांकि मैं, मुझे नहीं मालूम था मैं कोई और कैरेक्टर कर पाता, पर अगर इफ यू हैड टू, अच्छा कर पाता भी नहीं, बट अगर कि अगर मैं रोसेश नहीं प्ले करता, दिस कैरेक्टर मेल और फीमेल दैट आई वुड वांट टू डू और वांट टू डू इट माय वे, आई थिंक मोनिशा, आई वुड डू मोनिशा, बिकॉज रत्ना जी ने इतना बार सेट कर दिया ना ऊपर कि वो वहाँ ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब 2-3 बार मैंने सोचा भी अभी बीच में, कैन आई प्ले रत्ना जी, नो आई कांट, बिकॉज वो जो इग्नोरेंस भी होता है और ताना भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब फोन उठाइए डैड, मैं मर दूँ, फिर से तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो गई इंदु, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, हेलो, यू नो दैट होल ट्रांजिशन, एंड शी इज वन एक्टर आई हैव सीन ऑन सेट दैट यू मेक हर सिट स्टैटिक, पॉसिबल ही नहीं है. देवेन भोजानी जो हमारे डायरेक्टर थे, वो अपने हिसाब से, एक दुष्यंत भी अपने हिसाब से वो ब्लॉकिंग कर देते थे कि हाँ ठीक है, यहाँ ये होगा, एंड रत्ना जी को फिर आप
पहले बता दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली हम कैमरा कर लेंगे, बिकॉज रत्ना जी लव्स यू नो कि कुछ कुछ होते रहना चाहिए. यू नो यू कांट बी जस्ट सिट. हाँ, मतलब आप ड्राइंग रूम में थोड़ी बैठे हो किसी के घर जा कर के कि अच्छा अब बैठ के बात करेंगे. व्हेन यू आर एट योर ओन स्पेस यू जनरली टेंड टू मूव अराउंड एंड फिक्स इट अप एंड टॉक एंड डू एंड दिस. सो नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दैट होल थिंग इन एक्टिंग. आई रिमेम्बर वन पक तो नहीं रहे हो ना. नहीं नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड. ऑडियंस पक तो नहीं रहे हो. बिल्कुल भी नहीं, प्लीज. एक सीन था प्रॉपर जहाँ पे वो मुझे लेप लगा रही हैं, यू नो, एंड शी इज अप्लाइंग दिस एंड शॉर्ट चल. तो फिर बीच में कुछ कट हुआ तो उनका हाथ जो था रिहर्सल में ना ऐसे ही था. सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड शी वॉज स्टैंडिंग एंड देन कुछ ऐसे चल रहा है, इधर इधर हो रहा है, एंड हर हैंड इज़ लाइक दिस. सो आई ऑब्जर्व्ड इट. आई सेड रत्ना जी अभी शॉट नहीं है, यू नो, यू जस्ट मामा यू कैन कीप इट लाइक दिस. ओ नो, आई फॉरगेट बेटा, आई यू नो हो जाता है वो, बिकॉज इट्स सो मच इन मी ना. तो वो अभी उन्होंने कटोरी पकड़ी नहीं थी, लेकिन वो कटोरी पकड़ने का एनैक्टमेंट जो था वो जल रहा है तो ऐसे ही है, अभी बात हो रही है तो हाँ, शी हेल्ड इट. सो दैट इज़ द डेडिकेशन ऑफ अ पर्सन एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम दीज गाइज एंड यू से कि मतलब आप क्या अब इससे अच्छी कोई कहाँ, अभी किसी इंस्टीट्यूट को भी जाने की जरूरत नहीं है. कम एंड डू सारा भाई, यू लर्न लॉट फ्रॉम मी नाउ. अमेजिंग. डोंट डू सारा भाई, नो वन एल्स शुड बी पार्ट ऑफ दिस, ओनली दीस गाइस. ओके, सो एक्चुअली रत्ना जी टोल्ड मी समथिंग सो इंटरेस्टिंग दैट व्हेन, because I was going on about ki my god aansu aa rahe, how is this happening, I'm so excited to meet you, and she said, you know, I don't understand like the hysteria now, because when it was on edge wo weekly tha, the TRP apparently wasn't good at all. She said, because on the channel she said that it was our show, it was some ganda TRP, and usi time one of those comedy ka jo versions hote hain, that show had 9 TRP and you guys didn't have at all. So hence this hysteria, she like, humme samajh hi nahi aata hai ab, like we don't know how to deal with it because it wasn't working initially. Ha, you want to close that, cut cut. Aapko maza aata hai Sarah ke bare mein baat karne ke liye? Are yaar, tu dekhna hai. Main to okay. तो आई स्पोक टू रत्ना जी रिसेंटली और उन्होंने मुझे बताया एक बहुत ही डिसहार्टनिंग खबर कि जब सारा भाई वीकली था स्टार्टिंग में तो उसकी टीआरपी वाजंट नाइस एट ऑल. सो दैट्स व्हाई शी डजंट अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंड आई डोंट नो बट शी डजंट गेट दैट हाउ इट्स स्टिल सो पॉपुलर बट दैट टाइम नो वन सॉ द पोटेंशियल इन इट. व्हेन इट वाज अ वीकली थिंग इट ओनली बिकेम पॉपुलर जब वो रीरन्स में वो डेली हो गया एंड एवरीवन स्टार्टेड. सो एट दैट टाइम आई डोंट नो, टीआरपी का गेम अलग था बिकॉज बाबहू और बेबी एक सीरियल आया था मेरा, मतलब ये हैट्स ऑफ का ही, सारा भाई के इमीडिएटली बाद ही, मतलब उसके अगस्त में लॉन्च हुआ था. हाँ, उस समय सारा भाई चल रहा था. सो वी ओपन्ड एट द टीआरपी ऑफ 11, यू नो, बिकॉज उसके पहले केबीसी आता था जिसकी टीआरपी थी 24-25. सो उसके कंपैरिजन में वी वर 2-3 इस तरह की हमारी टीआरपी थी. जो आज के हिसाब से अगर ट्रांसलेट करें तो आज जो मैक्सिमम अगर 5 की टीआरपी है तो मतलब आज के हिसाब से वो 1.4-1.5 रहा होगा. इट बिकेम हिट आफ्टर इट स्टॉप्ड. इट बिकेम हिट बिकॉज स्टार वन का क्या हुआ, स्टार वन पे बहुत सारे सीरियल थे उस समय और सीरियल्स बंद हो रहे थे. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, बिकॉज वी वर वीकली, सो दे स्टार्टेड री रनिंग द होल थिंग डेली थिंग. तो 8:30 का स्लॉट है उसको 70 एपिसोड्स दिखा दिया, यू नो, तो 3 महीने चला सारा भाई. फिर 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसी स्लॉट पे जब उस स्लॉट की टीआरपी देखी कि 1+ हो गई या 2+ हो गई तो उन्होंने नया सीरियल लॉन्च कर दिया. देन दे शिफ्टेड इट टू 10 o'clock, देन दे शिफ्टेड टू 10:30, 9. सो ऑल इन ऑल आई रिमेंबर नॉट लेस देन 21 रीरन हैपेंड ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई. 21 रीरन्स हुए थे एंड बाय देन पीपल थॉट दैट, यू नो, नाउ बिकॉज मेनी पीपल थॉट दैट ये अभी चल रहा है, ये फ्रेश है. बिकॉज ए कॉमेडी में सबसे बड़ी बात जो है ना, विच वी एज यू नो नॉट मेनी पीपल एज राइटर्स और डायरेक्टर और एक्टर्स रियलाइज, कॉमेडी में सबसे बड़ी बात है कि कॉमेडी वही वर्क करता है जिसका रीरन हो सके, जो हमेशा रेलेवेंट हो, कि आज भी देख सकते हो आप. मतलब कुछ फिल्में ऐसी जो बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल जाने भी दो यार, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में ही हैं बहुत सारी कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज नहीं हुआ है. अब ये हो गया है कि थोड़ा बहुत मुझे ऐसा भी कई बार फील होता है दैट वी हैव बोरोड द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बोरोड इट अक्रॉस द बॉर्डर.
जहाँ पे बेइज्जती का सुर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा चुराने वाली औरत, ये वो यू नो दैट दोज काइंड ऑफ बिलो द बेल्ट, हाँ वो हमारे यहाँ था नहीं कभी, यू नो इंसल्ट भी था तो मेल का मेल के लिए था, मेल का फीमेल के लिए कभी नहीं हुआ, एब्सोल्युटली, मतलब चाहे वो ये जो है जिंदगी आप उठा के देख लें वो, एंड ऑल दीज सीरियल्स ऑल्सो वर्कड बिकॉज दे हैड वेरी लिमिटेड कास्ट, यू नो मतलब बालाजी का हम पांच भी वर्क किया था बिकॉज वहाँ पे छह ही लोग थे और वही था, दिस प्लॉट वाज द सेम कि केमिस्ट्री मांग, केमिस्ट्री मांग आप, क्योंकि इसमें अब मेरे ऊपर इतने रिएक्शंस बने, शायद इस वजह से मेरे इतने एपिसोड बने, व्हाट विल हैपन इफ रोसेश गेट्स किडनैप्ड, व्हाट विल हैपन इफ रोसेश को पता चले कि वो अडॉप्टेड है, व्हाट विल, सो देन तो आपको मिल गया ना एक रिएक्शन से ही एपिसोड मिला, ये 70 एपिसोड सोच के तो नहीं लिखा हुआ था शुरू होने के पहले कि ये 70 है, तो जो रीरन हुआ उसमें टीआरपीज आई नहीं आई लेकिन लोगों में विजिबिलिटी इतनी बढ़ गई एंड देन दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद इट कि आपने हैमर किया एंड फेद, मतलब वो रीरन आप इसलिए चला रहे थे क्योंकि स्लॉट खाली था, आपका फिर भी विश्वास नहीं था लेकिन वही तो बोला बहुत एडवर्स, हाँ एंड इट वॉज सो रियल, इट वॉज सो ट्रू, द होल थिंग वॉज डन विद सो मच ऑफ बिलीव एंड यू नो सो मच ऑफ क्या बोलते हो आप, इतनी मेहनत और लगन के साथ आपने उसको किया था कि वो ऐसा लग रहा था कि अच्छा वन ऑफ द शोज बन के ना रह जाए, वो मन के अंदर तो वही चल रहा था, तो अब ऐसा ही हो गया रियलिटी और अब रियलिटी वही हो गई, सो फाइनली अभी तक कुछ भी ऐसे ऑन पेपर तो नहीं बट हैज द राइटिंग बिगन, एनीथिंग हैपनिंग अबाउट द न्यू सारा, अरे आतिश भाई तो यू जस्ट टॉक टू हिम, आई विल एंड he will narrate you one full story of sarabhai out of kora kagaz he is absolutely kora kagaz, but whatsapp pe hi jo hum logon ka conversation hai wo sarabhai ka hi conversation hota hai, ha bas usko dal do to reaction hi bata dega, ab wo jo cheez agar for example kisi ka show hua standing ovation mila to wo reaction waise hi jata hai कि नहीं ये स्टैंडिंग ओवेशन नहीं होगा, लोग जाने के लिए खड़े हुए होंगे, सो वो रोसेश पे रेलिवेंट है कि देखा आपने मैं जब कर रहा था ना तो स्टैंडिंग ओवेशन नहीं बेटा नहीं लेकिन लोग ताली भी बजा रहे थे, वो ताली नहीं फोटो ध्यान से देखो, लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, कह रहे थे बस करो रोसेश अब जाने दो, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आई हैव जस्ट सीन, सो अमेजिंग, अच्छा आई कैन नॉट ऑब्वियसली लेट यू गो विदाउट वन अ पोएम एंड सेकंड द सारा भाई टाइटल ट्रैक, Okay. तो whichever you want to do first. First. ये जो नजर आते हैं ये वो तो है नहीं शुबाबा, देखो इन्हें गौर से दिखेंगे ये और कोई जुबान से, ओ माय माय कितने प्यारे हैं दिलों में नो वो अंगारे हैं, सोफिस्टिकेशन इनकी सने में हिपोक्रेसी में जीते ये सारे हैं, एक पल में बनती है पल में पिघलती है, यू कैन से वन हाउ अ वाई सारा भाई वर्स सारा भाई टिंग 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 वबे एंड फेवरेट रोसेश पोएम्स ऑफ ऑल टाइम, खटरखन 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 सुन मेरे दिल की धड़कन सुन, तेरे प्यार की ऑयलिंग इससे मिल गई तो खटरखन का हो जाएगा गन गन, अरे पांच छह सुना दिए पॉइंट्स, ये बहुत ही सही है, बहुत ही सही, अच्छा जाने से पहले अ मैसेज टू ऑल योर फैंस ऑफ मिस्माली, वाज सो एक्साइटेड सिंस दैट वन वायरल वीडियो एंड वायरल फोटो, जस्ट प्योर लव, सो समथिंग फॉर देम, जनता जनार्दन, जनता ईश्वर का रूप होती है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ यू नो ये शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने के पीछे पड़ जाती है, बिलीव मी दिस इज़ द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, सो प्लीज़ प्रे दैट पीपल हु आर सपोज टू डिसाइड अबाउट साराभाई'स फेट should think positive about us and let it happen, let us give us hum log ko ek mauka dein and agar cheez achhi nahi hui hum usi din band kar denge, lekin agar cheez achhi hui to hum aapke liye sadaiv khade, ye to Delhi police ka hoga na, aur cheez achhi hi hogi, there is no doubt, your 100 fan clubs are right now doing a happy dance, thank you so much Rajesh for talking to us, this was amazing, everyone who joined in thank you for watching, bye bye
ऑन हाँ अच्छा वी आंसर सो ये मेरा छोटा रोसेश है ये दूर दूर तक इसको नहीं पता कि रोसेश सारा भाई कोई कैरेक्टर इसके बाप ने प्ले किया जिसके लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन ये खुश रहता है कि इसको मतलब किस बात पर खुश रहते हो तुम बताओ क्या अच्छा लगता है आपको कुछ नहीं नाम क्या है तुम्हारा मुझे नहीं पता इसको नहीं पता तो यही इनका जवाब है कि मुझे नहीं पता तो आपका हो गया थैंक यू बोलोगे आप कम से कम वहाँ पे कैमरा में देख के थैंक यू बोल दो और एक बार तो नाम बता दे एक बार नाम बता दो ना नहीं जूनियर रोसेश ही इज रोसेश और एक टाइम पास इधर 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 बड़े रोसेश इधर घर पे इतने सारे वर्जंस इधर 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 डुप्लीकेट इधर डुप्लीकेट ये डुप्लीकेट है माय गॉड ही रियली डज लुक लाइक यू इनफैक्ट अगर मेरा बचपन होगा रोसेश का तो यही करने वाला है इसको मैंने तैयार कर दिया है ये इतना बुरा एक्टर है उनके बेचारा डायरेक्टर बनने के सपने देख रहा है फुटबॉल अच्छा फुटबॉलर है फिलहाल सब चेंज हो जाता है तो थैंक यू बोलो ना भाई तुम लोग सब शर्माने के खानदान में तो हो नहीं कोई मम्मी एक्टर है पापा एक्टर है सब लोग सब शर्माते हैं क्या बनना है फुटबॉलर अच्छा चल ठीक है ये भी सही है अल्टरनेट करियर थैंक यू हाय दिस इज राजेश हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन missmalini.com इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डू वॉच इट एंड And.